नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आ जाऊं, फेसबुक का एक अपडेट आया, अपडेट या फिर उसे डार्क मोड कह लो, जो पहले iOS फीचर या फिर एंड्रॉइड फीचर को मिला था, iOS फीचर को नहीं मिला था। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं, क्या सेटिंग्स चेंज के लिए, क्या पहले से टफ हो गया चलाना या फिर पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया चलाना, इसके ऊपर बात करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, आपके एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप, मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। तो गाइस आज हम फेसबुक के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, एंड्रॉइड प्लस iOS, आईफोन वालों को भी और स्मार्टफोन वाले जो नॉर्मल एंड्रॉइड यूज करते हैं उनके लिए भी। तो एंड्रॉइड वालों को डार्क मोड पहले मिल चुका था, जैसा कि आपको मिल गया है, अगर नहीं मिला तो आज मिल जाएगा। और गाइस ये जो iOS था इसको नहीं मिला था, कुछ को मिल गया था कुछ को नहीं मिला था। iOS 13 में मैंने देखा था, लेकिन iOS 14 जो न्यू आया है उसमें आ चुका है। तो गाइस इसमें कुछ फीचर्स जो है वो बदल दिए गए हैं। अब वो फीचर्स क्या बदले हैं, क्या क्या सेटिंग्स चेंज करी गई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उसमें आई गई है। पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सिक्योरिटी कुछ चेंज करते थे या फिर कोई एक्टिव स्टेटस को बंद करते थे तो पता नहीं चलता था हमें, मतलब बहुत उसमें इतनी सारी सेटिंग्स थी कि हमारा दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन आज आपको मैं दिखाऊंगा सिक्वेंस वाइज बहुत अच्छे तरीके से और बताऊंगा कौन सी सेटिंग में क्या है और क्या चीज है, जिससे आप एकदम इजी और सही तरीके से यूज कर सकते हैं। गाइस कुछ लोगों का कहना है कि फेसबुक बेकार चीज है, हमें इसे यूज नहीं कर सकते। गाइस देखो, एक चीज होता है ना, अगर कोई हमें कह देता है कि ये चीज गंदी है, तो अगर वो नहीं भी होगी ना तो अब हमें वही सुनना अच्छा लगता है, नहीं भाई ये चीज सच में गंदी है, आप उसे यूज करो। हाँ एक चीज याद रखो, रैंडम बंदे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो, जिसको आप जानते हो कि नहीं ये बंदा या मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, कुछ भी हो जिसको आप जानते हो ये आपको सही लग रहा है उसी का करें। रैंडम बंदे अगर आप सोचेंगे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, मेरे फोटोज पे बहुत सारे लाइक चाहिए, फिर तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉइड वालों का क्या क्या चीज न्यू फीचर आए हैं। तो हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, अब चलते हैं फेसबुक ऐप में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने प्ले स्टोर में यहाँ पे फेसबुक पे सर्च करें, अगर आप में इंस्टॉल है तो आप में ये तो अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये तो कैंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने अपडेट कर लिया तो आपको मेरी तरह ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इसे प्लीज़ यहाँ से अपडेट कर लें। जब भी आपको ये फीचर्स मिलेंगे आपको सिंपली ओपन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा कि क्या न्यू फीचर्स या चेंजेस आए हैं। तो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, जैसे कि आप में दिखा रहा होगा, आप में कुछ इस तरीके का दिखा रहा होगा। गाइस आपको क्या करना है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें सब चीज़ का अलग अलग वो बन गया है, पहले भी था लेकिन उसे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब देखने में। सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसमें आने के बाद आपको सेटिंग का नीचे में ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे गाइस देखो, पहले जितना भी इसमें कचरे की तरह भरा पड़ा था सब कुछ, वो सब कुछ एकदम निकल गया है, और मतलब निकला नहीं है, मतलब उसी को एकदम अच्छे से, मतलब एक अच्छे डेवलपर की मदद से शायद इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। आप यहाँ क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आपका नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसे चेंज कर सकते हो। तो अब मैं आपको नीचे ले आता हूँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, ये आ गया आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ये मेरा अभी कहाँ कहाँ लॉगिन है ये दिखा रहा है। और इसके बाद चेंज पासवर्ड, यहाँ चेंज पासवर्ड का कोई ऑप्शन है, आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। टू यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको गाइस आप यूज़ करें, इसको मैंने भी यूज़ कर रखा है, देख सकते हो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे अब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होता है। जैसे कि आपका एक कोड आएगा आपके सिम पे, जो आपने नंबर दिया होगा, और वो कोड जब तक आप दोगे नहीं एक्सेस तब तक नहीं होगा। ये आपके पास एक पॉपअप आएगा यहाँ से येस और नो का, जैसे ही येस और नो का पॉपअप आएगा अगर आप येस करते हैं तो लॉगिन हो जाएगा विदाउट ओटीपी, अगर नो करेंगे तो नहीं होगा। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ से बैक कर देना है न्यू फीड नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं डार्क मोड, आपको डार्क मोड मिल गया, आप सिंपली टैप करो, डार्क मोड हट गया, इस पर टैप करो डार्क मोड आ गया, ठीक है गाइस। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, सारी चीज़ें इसमें दी गई होगी, क्या करते हो नहीं करते हो, मतलब जो भी बायो वगैरह होता है ये आपको पता है, आप टैप करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाता है नीचे स्टोरी पोस्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, प्रोफाइल एंड टैगिंग ब्लॉकिंग, और इसमें देखो एक्टिव स्टेटस, आप ऑनलाइन रहना चाहते हो तो शो हो, ये आ सकता है, ये पहले मैसेंजर में था, फेसबुक में मुझे तो आज तक नहीं दिखा था, अगर आपको दिखा था तो बताएं, मुझे तो ये न्यू चीज़ लगा। इसके बाद ब्लॉकिंग यहीं पे आ गया, पहले कुछ अंदर जाके मिलता था हमें, लेकिन यहाँ पे अब लोकेशन आ गया, लोकेशन सर्विस को मैं रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि आप इसे बंद रखें, ऑन ना करें। इसके बाद गाइस ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये सब कुछ नई चीज़ें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, डार्क मोड जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था, मिल भी गया था लेकिन सही से वर्क नहीं करता था, ये iOS फीचर को भी मिल चुका है। अगर आपके पास iOS है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया क्या क्या चीजें और क्या क्या न्यू फीचर्स हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। आपको दो वीडियो सजेशन में दिखाई दी होगी, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन वीडियो से, प्लीज क्लिक करके दोनों वीडियो को देखें।